So student, how are you today? So I am Hemant sir and I am welcoming you at Chitrans Academy. Today we are going to understand what is Newland Octaves. In our previous video we have learned about the Daubigny triad. Daubigny was the first scientist who has started the arrangement of element in the form of groups. He has arranged element in increasing order of their atomic masses in the group of 3. And this group of 3 elements having similar property was called as Daubigny triad. Okay, so triad ka meaning hota hai the group of 3. Okay, so group of 3 element was called as by Newland, was called by the Daubigny triad. Okay, so अब उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट करने वाला, देखो डोबिनियर ने क्या किया था, उसका जो अरेंजमेंट था अप टू 9 एलिमेंट ही क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, रेस्ट एलिमेंट आउट ऑफ 30, बाकी के जो एलिमेंट थे वो उसके रूल को ओबे नहीं कर रहे थे, इसलिए जो डोबिनियर ट्रायड है उसका अरेंजमेंट फेल हो गया। अब उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था इंग्लिश साइंटिस्ट कॉल्ड जॉन न्यूलैंड। अब न्यूलैंड ने अबाउट 1866 की बात है, उसने सारे के सारे नॉन एलिमेंट को अरेंज किया था। एट दैट टाइम हु न्यूलैंड, न्यूलैंड इन 1866 एट दैट टाइम अबाउट 56 एलिमेंट्स वेयर नोन। उस समय अबाउट 56 एलिमेंट से 63 तक है ना, कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे लेकिन उनके सारे के सारे प्रॉपर्टीज अभी डेवलप नहीं हुई थी, बट उस समय 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, बट ओनली 56 एलिमेंट्स वर परफेक्टली डिस्कवर्ड। सो वी कैन से अप टू 63 एलिमेंट्स, कब, इन 1866। सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसने, न्यूलैंड ने। अब उसने जब अरेंज किया सो ही हैज रिलेटेड the atomic mass of the atom to their physical and chemical properties. Newland ने क्या कहा, he told that all the elements, their physical and chemical properties are related to their atomic masses. That's why Newland has arranged all the known element in increasing order of their atomic masses. So like first element is here, then second element, third element, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, etc. ऐसे सारे के सारे known element को Newland ने arrange किया, and during the arrangement he found that the properties of every eighth element was similar to that of first. न्यूलैंड ने क्या देखा कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पहले एलिमेंट से सिमिलर आ रही थी। देन अब इसका मतलब फर्स्ट की प्रॉपर्टी एट से सिमिलर, सो नाइन्थ की जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड वाले एलिमेंट से सिमिलर होगी, टेंथ की सिमिलर होगी किससे, थर्ड से, एंड सो ऑन, और ये सीक्वेंस चलता गया। ठीक है, सो अब उसने क्या किया, अपने अरेंजमेंट के ये वाले जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको इसके नीचे में पुट करना स्टार्ट कर दिया। तो एट्थ एलिमेंट विल कम हियर, नाइन्थ एलिमेंट विल कम हियर, एंड टेंथ एलिमेंट विल कम हियर। सो लाइकवाइज ही हैज अरेंज्ड ऑल द नोन एलिमेंट ऑफ दैट टाइम एंड ही फाउंड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट। नाउ आफ्टर दैट उसने क्या किया, अपने जो अरेंजमेंट है उसको हमारे जो इंडियन म्यूजिक के जो नोट्स है उससे कंपेयर किया। व्हाट आर द नोट्स ऑफ आवर इंडियन म्यूजिक, सा रे ग म प ध एंड नी। सो वी कैन राइट हियर वी हैव म्यूजिक नोट्स ऑफ इंडिया, दैट इज सा, देन वी हैव रे, फिर वी हैव ग, देन म प ध, सारे ग म प ध नी नी एन आई। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, व्हाट विल कम नेक्स्ट, अगेन रिपीटेशन ऑफ द सेम नोट्स। ओके, सो देन नेक्स्ट नोट विल बी अगेन सा, देन अगेन रे, बट दिस सा एंड दिस सा और दिस रे एंड दिस रे हैव डिफरेंस इन देयर फ्रीक्वेंसीज।
इस सा की फ्रीक्वेंसी इस सा से क्या होगी, कम होगी, इसकी ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। दिस इज अवर एट्थ नोट, वी कैन से दे हैव द सेम बट देयर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। हियर सा ऑफ एट्थ ट्यून हैव मोर फ्रीक्वेंसी देन सा एट फर्स्ट ट्यून। ओके, सो इससे प्रूफ ये हो रहा है कि हमने जो हमारे ट्यून से वहां पर हर बार जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंडियन म्यूजिक नोट्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लाइकवाइज न्यूलैंड के अरेंजमेंट में सारे के सारे जो एलिमेंट अरेंज किया था वहां पर उनका एटॉमिक मास कैसा हो रहा था, बढ़ रहा था। एंड ही फाउंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, लाइकवाइज इन इंडियन म्यूजिक ऑक्टेव्स। ओके, सो हम जो इंडियन म्यूजिक के जो सेवन नोट्स है हम इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव्स ऑफ म्यूजिक। लाइकवाइज अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट बाय न्यूटन वाज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्टेव्स ऑफ न्यूलैंड। व्हाई? बिकॉज दे शो द सिमिलर ट्रेंड्स, दे शो द सिमिलर ट्रेंड्स इन देयर अरेंजमेंट। दैट्स व्हाई द अरेंजमेंट ऑफ न्यूलैंड इज कॉल्ड एज न्यूलैंड ऑक्टेव्स। एंड ही कंपेयर्ड ऑल द अरेंजमेंट ऑफ इट of its element to the notes of the music. And the you know there is one more question, it is for general knowledge that you have to remember. The collection of notes of the music is called as saptak, is called as saptak. Notes ke collection ko hai na, music ke notes ke collection ko hum kya kehte hain, saptak kehte hain na. So Newland ne is saptak se apne अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को कंपेयर किया था, इसलिए जो अरेंजमेंट है न्यूलैंड का इज कॉल्ड एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, एंड ही गेव द रूल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। सो व्हाट वाज द रूल ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स? सो यू कैन राइट ऑल्सो when elements are arranged in, when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, increasing order of their atomic masses, then the properties of every eighth element was similar to the first, similar to the first. So this is the law of Newland Octaves that he has given in year 1866. Okay, but there are some faults in Newland's octaves. He has arranged element up to calcium only. इसका जो rule था इसको only 20 first 20 element ही follow कर रहे थे. Okay, so ये हो जाएगा इसका demerit. What is the demerit? All the elements were not obeys the Newland octaves rule. So element up to 20, that is calcium. So first demerit of the Newland octaves was only calcium, that is 20 elements, only 20 elements obeys the rule of Newland octaves. It is Newland octaves. Okay, short में लिख रहा हूं बट आपको पूरा लिखना है, Newland octaves up to calcium. And other element was does not obey the Newland octaves rule. That's why its arrangement was got fit. Okay, so here we have completed in our previous video Dobine triad. Today in this video we have completed the Newland octaves. Now in next video we will understand
what is the Mendeleev's periodic table. We have one more demerits of the Newland octaves. देखो इसने तो ये बताया था कि हर एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से सिमिलर होगी, बट व्हाई दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हो रहा है ये न्यूलैंड ऑक्टोवेज में नहीं बताया था, है ना. सो दिस इज द सेकंड डिमेरिट व्हाई द एलिमेंट शोज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर सम इंटरवल. इज नॉट एक्सप्लेन बाय न्यूलैंड. सो ड्यू टू दिस टू डिमेरिट्स Newland octaves got failed. Okay, so this is very important point. Exam में generally क्या पूछता है, what is the Newland octaves law, or you can write the demerit. Okay, so this portion is very important as your exam point of view. Okay, so आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे next video में in next day. So तब तक के लिए bye.